हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज स्टीफन गोगोई। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे क्रूड ऑयल का पिवट पॉइंट क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंट मार्केट ट्रेंड क्या है और मार्केट रेंज क्या है, और आज क्रूड ऑयल क्या हो सकता है उसका भी ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डेली क्रूड ऑयल चार्ट है, तो इसमें आज पिवट पॉइंट 3933, फर्स्ट रेजिस्टेंट 4040 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 4225 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 4332, फर्स्ट सपोर्ट 3748, सेकंड सपोर्ट 3641 एंड थर्ड सपोर्ट 3456। ये आप देख सकते हैं डेली क्रूड ऑयल चार्ट। तो इसमें आप जब से ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ का नेक्स्ट सपोर्टिंग जोन कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है अराउंड 3787। तो यहाँ पे मैंने लोअर, ये पहले देख सकते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट, तो ये ज़्यादा कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए इसको मैंने एक सपोर्ट लाइन बना के रखा हुआ है डेली में। और वीकली में आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली एक सपोर्टिंग जोन है, राइट, सपोर्टिंग जोन है, और मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देना चाहिए क्योंकि एक सपोर्टिंग जोन में आ गया। जैसे ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे भी एक सपोर्टिंग जोन बना के रखा हुआ है वीकली में। सो डेली मैंने इसलिए यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा। तो अगर 4 आवर में देखे तो कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवर सीसीआई दिखा रहा है, ये ओवर सोल जोन में है, लेकिन स्टोस्टिक थोड़ा कन्फर्मेशन वो कंफर्म कर रहा है कि और नीचे आने वाला है। मुझे लगता है ये और 100 पॉइंट नीचे आने का चांसेस है 4 आवर में। तो अगर 30 मिनट में देखे तो 30 मिनट में शायद आपको याद होगा 30-15 मिनट में, राइट, तो मैंने एक रेंज दिया था आपको, जैसे एक रेंज मैंने पैरेलल एक रेंज ड्रॉ किया था यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल मैंने एक रेंज ब्रेक दिया था। तो जब से ये रेंज ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं ये रेंज ब्रेकआउट किया, पुल अप अगेन मार्केट नीचे आ रहा है, और 15 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट अभी भी मतलब 200 मूविंग एवरेज 150 कंटिन्यूअसली ये नीचे होके आ रहा है। तो मुझे लगता है ये 3787 तक आने का चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो पहले यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन भी दे सकते हैं, ये 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज पुल बैक करके फिर से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो 5 मिनट में आप देख सकते हैं 5 मिनट में ये कंटिन्यूअस लोअर लो बना रहा है, तो और 20 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट नीचे आने का चांसेस आ रहा है, ठीक है। So I hope you enjoy this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.